उस झूठे बयानिए के लिए उन्होंने लोगों को दार कहा और आज कहता है कि पता ने मेरे खिलाफ साजिश नहीं की, कमर जावेद बाजवा साहब ने मेरे खिलाफ साजिश की। जब तक हुकूमत में था कमर जावेद बाजवा साहब ने जितनी मेरी हुकूमत की मदद की है किसी ने नहीं की। अगर आप अमरीका के खिलाफ नहीं थे क्यों पाकिस्तान के जो अमरीका के साथ या वेस्ट के साथ जो रिलेशंस थे उनको आपने जेपर्डाइज किया, क्यों आपने उनको खतरे में डाला? ये इंसल्ट है ह्यूमन इंटेलिजेंस की, यूथ की इंसल्ट है कि आप समझ रहे हैं कि वो जहनी तौर पर शायद आपकी तरह इतने माजूर हैं कि आप झूठ बोलेंगे वो सुन लेंगे, मान लेंगे, आप यू टर्न्स लेंगे तो वो मान लेंगे। आप सोचे हैं कि वो इंस्टीट्यूशन के साथ क्या कर रहा था, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस मुल्क के साथ क्या कर रहा था, और एक शख्स को सादिक और अमीन करार देने के लिए उन्होंने सबको जो है वो गंदा किया। और आज मैं उस चीज को मैं ढूंढ रही हूं, वो साकिब निसार, वो डैम वाले बाबा जी, मैं आज उनको ढूंढ रही हूं कि आज उनको मैं पूछूं कि आपने इस शख्स को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया। इमरान खान रचीम चुंज वाले इल्जाम अमरीका के बरी कर छो हाँ चई रो है संदस खिलाफ साजिश अमरीका नफर बाजवा कई। जैसे जनरल बाजवा सुपर किंग हो तो यहां हुआ उन मुलाजिम नून लीग की नायब सदरी मरियम चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो पीटीआई सरबराह से तनकीदी वार। मरियम नवाज रुगो एक मानू के सादिक अमीन करार दियण ला सभी के गंदो किया। एस्टेब्लिशमेंट के हथ खणन बाद इमरान खान हाँ अदलिया के घोड़े से सवार थियण की कोशिश कर रो है। पंजाब असेंबली के चूंड कदें थी? पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान इलेक्शन कमीशन विच में कें भी तारीख से इतफाक नहीं सको। बिन्हीं धुरन जो अदालती फैसले बाबत वसाहत वठने से इतफाक। पंजाब में चूंडन वाले मामले से गवर्नर हाउस में इजलास दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आईजी, चीफ सेक्रेटरी, डीजी ला इलेक्शन कमीशन और बेन की शिरकत। चूंडू कराने बाबत लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को जायजो वरतो वो। इजलास में शरीक समूर मानू आइनी कानूनी तजवीजू डिन्हीं और चूंडन बाबत कें भी तारीख से इतफाक न थी सको। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है तो गवर्नर मामले की अदालत से राबते की गाल कई है। महंगाई सडल आवाम के बिजली जो एक वधिक झटको। वफाकी काबीना बिजली वापे दरन का चार महीन दौरान वाधू 76 अरब रुपया ओगाड़ी की मंजूर रही छी। वाधू ओगाड़ू के इलेक्ट्रिक समेत समूरन वापे दरन का थी जरियन मूजिब काबीना समरी सर्क्यूलेशन जरिए फैसले की मंजूर दई छी। फैसले मूजिब वाधू ओगाड़ू मार्च का कई वेंदू। बिजली की वापे दरन के 3 रुपया 39 पैसा फी यूनिट से इजाफी देना पौंदा। नाणे वाले वजीर इसहाक डार सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। आईएमएफ के मुतालबे से ऑर्डिनेंस जरिए मिनी बजट आने समेत मुख्तलिफ मामलों से मुशावरत। इसहाक डार सदर के आईएमएफ की शर्त नई हुकूमती कदम बाबत भी आगाही दिनी। जरियन जो मूजिब मिनी बजट की अज वफाकी काबीना भी मंजूरी दींदी, बाद में ऑर्डिनेंस आंदो वो। पाकिस्तान मुख्तलिफ बुरहानन के मुंह दई रो है। कामयाब परदेही पॉलिसी के करे दुनिया बुर मुतासिरन की मदद कई। परदेही वसीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो है तो पाकिस्तान से मौसमियाती तब्दीली बाबत हर फोरम से आवाज़ उथारियो है। जिनीवा कॉन्फ्रेंस में बुर मुतासिरन के लिए फंड रेजिंग में कामयाबी हासिल थी। चीन और अमरीका समेत समूरी दुनिया पाकिस्तान को साथ दिनों। आलमी बिरादरी से बेहतर लागापा चाहूं था। इलाकई अमन लाय कदम परदेही पॉलिसी का हिस्सो है। एक तो ये आज तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कि फंदार था कौन नहीं था। जनाब चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अहम बात की थी, नैब की जो इन्होंने एनआरओ लिया है उस केस के हवाले से
और ये कहा था कि ये पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है, एक बड़ी जमात को आपने एक साजिश के थ्रू, आपने खरीद फोहत के थ्रू वहां पर अकलियत को सिरे पे आपने मुसलत कर दिया। आप अगर पार्टी करने के लिए निकल जाएं और आप मुड़ के देखें ही ना पार्लियामेंट की तरफ और बेतौकीरी करें ईवान की, 8 महीने आप लॉजिस में बैठे रहे और ईवान में आना पसंद ना करें, तो फिर यही बात होगी। आप अपने दामन में झांके, अपने गिरेबान में देखे, आप अपना किबला दुरुस्त करें, जिस दिन वो दुरुस्त हो गया चीजें भी दुरुस्त होंगी। दिस हाउस टेक्स सीरियस एक्सेप्शन टू द लेटर दैट हैज बीन रिटन बाय द अटॉर्नी जनरल टू यू, नॉट टू मी, टू द लॉ मिनिस्टर, टू द लॉ मिनिस्टर। आई टेक सीरियस एक्सेप्शन टू द फैक्ट दैट दैट लेटर शुड बी प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ दिस हाउस। सुप्रीम कोर्ट जजिस पारां एक वजीर आजम की ईमानदार वजीर आजम चवण से हुकूमती सेनेटर्सी सेनेट में एहतजाज। रजा राबा ने पार्लियामेंट में हमलो थे तो अटॉर्नी जनरल के दिफा करण घुर्जी। अटॉर्नी जनरल जज के मामले से खत लिखो है। मुखालिफ अगवान शहजाद वसीम जज निशानदही कन था तो केर ईमानदार हो केर न हो। वही पार्टी के तवा पित से लगाया है। आजम नजीर तारण अदालतों को एहतराम करो है तो आईन जो भी करो पवो। पीटीआई वारा पांच अंदर में जाति पाए। ईमानदार वजीर आजम बाबत रिमार्क्स के हकीकतों के उबतड़ बयान करो रिपोर्ट थो वो भी हकीकतों के उबतड़ हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमरता बंजियाल रिमार्क्स जो रिपोर्ट थो उन सबुर बर्दाश्त कर। मीडिया के दोस्तों के अदालती रदमल न अचान के एतराम से ढन घुर्ज। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान समेत बेन अगवाणन तो इन इलेक्शन कमीशन केस में शुकास नोटिस जो जवाब जमा करा छो। असद उमर जवाब जमा करायो। इमरान खान के वकील मौके पर इख्तियार कर नंढी चूंड थी रही है, मुनासिब थो चूंडन का तारीख दिनी वे। ईसीसी ईसीपी बुधनी 28 फरवरी तीन मुलतवी कर छी। नैब कानून में कल तरमीम में कुछ खामियों हैं जिनके ऐसी रहा हूं। चीफ जस्टिस उमरता बंत्याल जहा एक केस की बुधनी दौरान रिमार्क्स चीफ जस्टिस चारुगो 50 करोड़ रुपये की करप्शन करप्शन है, 23 करोड़ रुपये की करप्शन करप्शन ना है। नैब कानून में किथे भी लिखल ना है तो वापस इन केस केदा वा। उत्तर बलोचिस्तान में सीटीडी की टीम से हमलो। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्दन समेत 7 जना मार वाया। तर्जुमान मूजिब सीटीडी की टीम गिरफ्तार कर 3 जवाबदार के मेरा शाह का बनू मुंतकिल कर रही हुई तो दहशतगर्दन हमलो कर फायरिंग में हिरासत में वरतल 3 जवाबदार और 4 दहशतगर्द मार वाया। ज़रात खाते इंजीनियरिंग विंग के मा तहत प्रोग्राम सियाप एप जरिए कौमी नाणे की भींग करोड़े रुपया बदउनवानी और करप्शन के वर चढ़ी वाया। ज़रे शोबे में इनकलाब आणन लाए आलमी बैंक का व्याज से वरतल करोड़े रुपया रुगो कागजन में खर्च थिया। वाटर कोर्स पक्का करण में करप्शन तो थी पर आबादगार के नाले से 40 तंजीमू ठाण और उन मद में करोड़े रुपया खर्च करण जो भी इंकशाफ। सियाप एप प्रोजेक्ट तहत आबादगार जू तंजीमू ठाण लाजमी करार दिनो वो पर उते भी ज़रात खाते के कामोरन हथ की सफाई डेखारे आई तंजीमू रुगो दस्तावेजन में ठाकुर। आबादगार की शमूलियत न थियण सबब सियाप एप प्रोजेक्ट जा 3 कंपोनेंट नाकाम। ज़रात खाते के इंजीनियरिंग विंग जा कामूरा सियाप एप के नाले से पैंजा पेट भरे वाया। सिंध हुकूमत आलमी बैंक का वरतल 380 मिलियन रूपया व्याज समेत मोटाए दी। ज़रात बाबत सूबाई सलाहकार मंजूर वसाण सियाप में बेकायदगी जो नोटिस वरतो। ज़रात खाते के एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल का रिपोर्ट तलब। सियाप प्रोजेक्ट की खर्च का तफसील पेश करने की हिदायत। मंजूर वसाण जियाप प्रोजेक्ट में आफिसर खिलाफ बेजाबकी साबित थे तो सख्त कार्रवाई कई वी। सियाप प्रोजेक्ट में बेकायदगी बाबत केटीएन न्यूज के प्रोग्राम द मिरर में निशानदही कई वही।
सिंधा कोर्ट आमिर लियाकत जो एतराज योग्यू वीडियोस वायरल करने वाले केस में दानियाशाह की जमानत मंजूर कर वरती। 20 लख मचलका जमा कराने जो हुक्म। दानियाशाह के FIA डॉक्टर आमिर लियाकत जो एतराज योग्यू वीडियोस वायरल करने वाले केस में गिरफ्तार किया।